पोकेमॉन्स, कैसे हो आप लोग? आपका स्वागत है एक और धमाकेदार एपिसोड पोकेमॉन्स स्कारलेट एंड वायलेट में। पीछे देख सकते हो मेरी कितनी बड़ी परछाई है, और जिसको पिछला एपिसोड नहीं देख रहा देख लेना। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी पता चली है इसकी, बहुत ही खतरनाक स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंटर्स आने वाले हैं और उसी का इंतजार है। और ये जितने जो आप जो क्रिस्टल देख रहे हो इसी से ट्रू और बना है, और यही क्रिस्टलाइजिंग का फंडा है, जो टेरेस्टलाइजिंग है ना, वही वो चीज़ हो रही है। और ये रिफ्लेक्शन देख रहे हो भाई साहब, क्या लग रहा है पीछे? वो जो पोकेमोन है वो फ्यूचर के पोकेमोन है। वो आप अगर पिछला एपिसोड देखो तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइस आगे हम कंटिन्यू करते हैं, और शायद हमने चार लॉक खोल दिया तो हमें अब ये गेट खोल सकते हैं शायद। भाई आवाज़ कैसे है? यहाँ कोई है भाई? है कोई? हाँ भाई, ज़मीन के अंदर पता नहीं कौन है। तो चलो देखते हैं क्या चीज़ है ये। ओपन द गेट ऑफ जीरो। हाँ बाय द वे, जीरो लैब है ये एरिया जीरो, और यहाँ पे एक लैब बनाई गई थी जिसको जीरो लैब कहते हैं, और हम ओपन करने वाले हैं। यू डिसाइडेड टू प्रेस द बटन एंड ओपन। बाय अरुण, हेलो, क्या हो गया तेरे को? होल्ड इट, क्यों? वाई? वी आर फाइनली ऑन द कस्प ऑफ गेटिंग इनटू द लैब। हाँ और क्या, आखिरी मुकाम पर पहुँच कर तो कुछ करने वाला क्या? लुक, अगर ये सच है कि बहुत ही डेंजरस पोकेमॉन आने वाले हैं वहाँ से निकल के, तो तुझे नहीं लगता कि मिराडो उनकी हेल्प लेनी चाहिए? ओ भाई, बात तो सही करा। यस, इफ मिराडो वर लाइक हाउ वी फर्स्ट सॉ इट इन द इनलेट क्रोटो, डैट वुड बी अ ह्यूज हेल्प। हाँ भाई, उसने कैसे डरा के उनको भगा दिया था ना, होंडोम और सबको। आई वांट टू सी इन बैटल, बट उसने तो अभी तक हमें राइड भी करने नहीं दिया जब से हम एरिया जीरो में आए हैं। और वो तो अपनी बैटल फॉर्म में पहले ही नहीं जा पा रहा, बट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आई नो इट इज़। इट एट ऑल दो हर्बल मिस्टिका वी फाउंड टू, वेन इट रियली मैटर्स आई एम श्योर इट विल फाइट। अरे हाँ, उसे सारी हर्बल मिस्टिका भी तो खाई हैं। और एरिया जीरो तो वो ऐसा जगह जहाँ वो रहता है, अगर तो उसको बॉल से बाहर ले आएगा तो मे बी उसको अपनी फैमिली मिल जाएगी, जो कि उसका एक और मिराडोन आया जो काफ़ी एग्रेसिव है और कह रहे कि उसकी फैमिली हो सकती है। डैट्स प्रिटी सेंसिबल बाई योर स्टैंडर्ड्स एरवन। आई डू नो, गो ऑन अमृत, लेट मिराडोन आउट। ओके, नो करके देखो, इसके फिर बेइज्जती करें, ट्रोल करते हैं इसको। कम ऑन, इट विल फाइन, इवन इफ मिराडोन कांट फाइट आई विल प्रोटेक्ट इट। अच्छा, तू प्रोटेक्ट करके, तेरे को कौन प्रोटेक्ट करेगा? फिर मुझे करना पड़ेगा। ये इनडायरेक्टली मुझसे प्रोटेक्ट होना चाहती है। ओके, आ चुका भाई। आया बाहर क्यों निकाला मुझे? ऑल राइट, कम ऑन अमृत, नॉट डेट, वी हैव गॉन मिराडोन रेड, इट इज टाइम टू ओपन दैट गेट। डैम, गाइस गेट खोल दिया हमने, खुल जा भाई, खुल रहा है भाई। सबको पता चल जाएगा। तो भाई इतनी जोर से सारे बज रहा, ओ येर खड़ा भाई, और ये तो अपने बैटल फॉर्म में है। ओ माय गॉड भाई, आ गया, पीछे आ गया। डैम, द फैमिली रीयूनियन, इट्स हैपनिंग। वो नो वे भाई, तेरे को डर लग रहा है? कैसा आ रहा है यार भाई, हमारा डर कैसा रहा है? ओ भाई भाई, हमारा कैसे भीगी बिल्ली बन गया हमारा? नो, समथिंग इज नॉट राइट। ओके, गेट खुल गया और उसकी नज़र उस पर पड़ गई है। भाई अंदर चला गया, जा रहा है भाई, अभी कुछ करने वाला था ये लग रहा मेरे को। वो तिरछी नज़र से देख रहा भाई, कह रहा है पीछे करो मेरा। भाई हमारा तो भीगी बिल्ली भाई, मिराडोन बेइज्जती करवा दी, तू काहे का लेजेंडरी है? तू साइक्लिसर इज नॉर्मल लेजेंडरी और नॉर्मल ड्रैगन, ये लेजेंडरी है तो फ्यूचर में लेजेंडरी बनता है। मतलब एक नॉर्मल पोकेमॉन लेजेंडरी वाला ड्रैगन कैसे बन गया भाई इस लेजेंडरी? व्हाट्स रॉन्ग, आर यू बम डैट योर हार्ट फैमिली रियली गॉट कट ऑफ सो क्विकली? आर यू जोकिंग? क्या जोकिंग, देयर वॉज नथिंग हार्ट वार्मिंग अबाउट भाई, वो ऊपर चिल्ला रहा था उसके सही में। वी आर दिस क्लोज टू गेटिंग कॉट अप इन अ नेस्टी ब्रॉल भाई, सच में फाइट होने वाले थे। वेट फॉर रियल, इसको तो पता ही नहीं है। जस्ट लुक एट मिरर, प्योर थिंग्स टेरिफाइड, गेस स्ट्रेट द अदर वन, इज इट एग्जैक्टली इट्स पॉल? है क्या फिर वो? या डैट अदर पॉकेट वॉज गिविंग ऑफ सम रियल बैड वाइब्स, होने वाला कुछ। ओ Not that you should worry a thing about any of that. Once we get you back into the battle for us, तो हम उसको टोक टू टो यानी कि बराबरी पे टक्कर देंगे, उसको पेल देंगे उसको। If you know, if you want to, अगर तू चाहता है तो फिर
सोच ओवर गेस सॉरी गेस दैट डजंट रियली हेल्प डू यू थिंक दैट अदर मैटर वाज वन ऑफ द डेंजरस पोकेमोन द प्रोफेसर वॉर्न्ड अस टू वॉच आउट फॉर हर भाई लेकिन अगर इस मिराडोल की रीडिंग उसके पास है तो दूसरे मिराडोल की रीडिंग भी तो प्रोफेसर टूरो के पास होनी चाहिए ना बट डिडंट द प्रोफेसर से द डेंजरस पोकेमोन वुड कम आउट फ्रॉम इनसाइड हाँ अंदर से आएंगे अंदर से बोला था उसने ओ भाई 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 ओ वो कौन है भाई ओ भाई बस तीन ही निकले पढ़ता भागो पर तीन के साथ एक साथ फाइट होने वाली है शिट मैन मुझे फायर टाइप भाई ने तो खेल लिया ओ माय गॉड भाई पिछले बार हाँ पिछले बार हम जब मुसीबत पड़े थे तो इसने अपनी असली पावर दिखाई थी क्या पता अब दिखा दे कमाल ब्राडन हम खतरे में एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस दे आर नॉट हेयर टू रोल आउट अ फ्रेंडली वेलकम मैट देयर इज नो वे वी कैन हैंडल दिस मैनी एंड डोंट टेल मी दे आर ऑल फ्यूचर हाँ फ्यूचर पॉसिबल है वी हैव गॉट अ लिटिल डिजास्टर ऑन अवर हैंड्स हैंड्स अप मैं दांत कैसे कर रहा है कमाल ब्राडन लुक यू डैट फेलोस रेडी टू बेल भाई भाई वो सीरियस हो गया है भागने की उसमें न्यूज़ की आंखें देख तेने आई कस इट्स स्पाइडर आई बिन वेटिंग किस लिए और लेट्स डू इट हो गया हो इस सबसे फाइट करेंगे एक साथ वैसे तीन तीन करके आए तो चलेगा दो दो तो बोर हो गया तीन तीन करके आए तो ठीक है ओके तो एक करके आ रहे हैं उसका शाइनी है क्या ये कैसी लुक है इसकी भाई शाइनी रोग्राफर क्या इसके पास गाइस ये लाइट वैसे दिख रहा है भाई मुझे नहीं पता अगर मैंने ये मारा तो दोनों को पड़ेगी क्या करा जाए गाइस ओके ओ चिलिंग वाटर भी लग रहा है चल भाई आ जाओ वापस भाई टिंकटन तो भाई रॉकग्राफ अलग नहीं लग रहा इसका भले एक तो साइको वाला होता है वो डस्क वाला है एक रॉक वाला दिखता साफ ओ माय गॉड लाइक अ रॉक भाई एक मिनट पॉमोट भाई पहले पॉमोट निकाल लिया उसने तो मैं बताता तू टेंशन क्यों ले रही है ये ले ओ रैपिड स्विंग किसे मारेगा ऐह मेरे में मार रहा था पगले घोस्ट हूँ मैं ये ले अब तेरा भूत मैं निकालता हूँ तेरे शरीर में से निकाल देगा इस आत्मा निकाल के मैंने एकदम अपने अंदर डाल लिए सबको मार के आत्मा अपने अंदर ले आऊँ देखा इतना ईजी था अब कौन सा दूसरा जल्दी आ टाइम है और बस वाओ दे आर स्ट्रॉन्ग नाउ दिस इज अ वर्थ वाइल चैलेंज आई एम ग्लैड यू आर ऑन अवर साइड बट यू आर स्टिल रियली अनोइंग व्हेन यू से स्टफ लाइक दैट भाई साहब ओ भाई 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 पहले को बचाना पड़ेगा क्या वाई आर दे कमिंग एट मी अरे हेल्प मी आउट हियर बस सबकी हेल्प मैं ही करूँगा यार अपनी हेल्प नहीं कर सकते क्या ये मिलके तीन जने एक जगह हो जाए मैं अकेला तीन जनों को संभाल लूँ भाई इसको पकड़ लूँ भाई ये फाइटर वाला है ओह हो बच जाएगी हमारी बैंड ये फाइटर वाला है ना एक बार ट्रेन किस मार के देखता हूँ लगी 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 वो साइकिल डैम ओ सुपर इफेक्टिव है दोनों पे है और चार्ज क्या बिजली चार्ज कर रहा हूँ ओके तो चार्ज कर तेरा मैं तेरे को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं जन्नत दिखाता हूँ तेरे को मैं ये ले जमीन के अंदर गाड़ के तेरे को कब्र वो दिखाता हूँ कब्र और नर्क ये ले तेरी पैस क्या ओ मरा ही नहीं अब्रियन यू कैन डू इट मरेगा नहीं शायद अरे हाँ स्पेशल डिफेंस बढ़ा लिया था ना बोलो उसको मैं और इसका तो कांड हो गया सो सॉरी फील्स बैड फॉर पैनी बट अम्ब्रियन के लिए अच्छा नहीं लग रहा यार अम्ब्रियन तो अच्छा पोकेमोन है भाई लुक बहुत अच्छी है और देखा कौन से पोकेमोन निकाले सिल्वियन फेरी फेरी तो काट है इसकी चलो भाई आ जा भाई लोल इसी ने मार दिया भाई बदले ले लिए अपनी बहन का अम्ब्रियन का 73 लेवल आप शायद अरवन बुलाएगा मेरे को अरवन शायद हाइड्रगन यार द फ्यूचर मस्ट बी टेरिफाइंग भाई इसने भगा दिया
Hello, they are running away. Yeah, and if those Pokeball get out, we are gonna have a gigantic mess out on our hands. हाँ वो दुनिया में आ जाएंगे. Pikota go after them. पहले जाओ 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 जाओ. Why me? भाई जा, तू भी strong है. भाई इसके बालों का कलर चेंज हो गया. अगा hold on Nemona. Why do I feel like you are enjoying this? भाई enjoy तो करती है वो. I hope the two of them can handle the report. अब हमें हैंडल कर, but at least the crowd went not now. Guess it's up to us too. अरमान के साथ जाएंगे. Guess let's go for the strong looking one first. अरे हमारे जितना कोई स्ट्रॉन्ग ही नहीं है यहाँ पर. क्या मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 100 लेवल का तो कोई आने वाला है नहीं. 75 होगा वो फिर भी देख लूँगा मैं, 80 होगा फिर भी देख लूँगा. पर इसका कलर ही चेंज है, देख लो लाइट ऐसे पड़ रही है इसीलिए. और इसको सीधा मारते एंड आ जा. अच्छा अच्छा क्विक क्लॉ. अब देखते हैं तू क्या मारेगा. अच्छा सा मारे, कुछ क्रंच मारा मेरे में. ठीक है तू मारी जल, देखो तू क्या मारता. प्लेयर ऑफ और अवॉइडेड द अटैक. ठीक है भाई कोई नहीं, मैं अपनी एचपी बढ़ा लूँगा. तो आपने कैसे यहाँ का एरिया ख़त्म कर दिया, लाइक ये वाला जो थे. और ओ बच गया भाई साहब. ये फ्यूचरिस्टिक पोकेमॉन कुछ अजीब हो गया. प्लेयर ऑफ क्या 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 सुपर इफेक्टिव. पहले ही चला जाता पता है, अवॉइड हो गया ना वो. अच्छा तो लेवल हो चुकी है हमारी. डैम बॉय वी आर सो ओपी. सी द पावर ऑफ एनर्जी हैड अस परफेक्टली इन सिंक, ऑल थैंक्स टू आवर टाइटन हंटिंग टुगेदर. भाई तू अभी कर रहा स्टिल स्केयर्ड हूँ, यू वरीड यू माइट हैव टू फेस दैट अदर वन ऑफ योर काइंड. वेल देन लेट वी टेक ऑन सम ऑफ द बर्डन. क्या ओ इसको तीनों को रहेगा. बी एन मेबसिन हेयर कैन टेक दैम. भाई वो फाइटिंग टाइप होते डार्क टाइप है पता. सबरित यू टेक योर पार्टनर देयर एंड गो टेक योर ऑफिसर्स. बट भाई तू अकेला नहीं कर सकता. हाँ कम ऑन, इफ यू आर नॉट इवन गोना रिप्लाई ऑन योर फ्रेंड्स देन हु आर गोइंग टू रिलाई ऑन. अच्छा रिलाई. और यहाँ तो बहुत सी तैयार है जाने के लिए, हम पे छोड़ दें. और भाई साहब वो कितना बड़ा है इसका. मिराडोन तूने मेरा बचपन ख़राब कर दिया. But it's not like seeing you covered and skid out of your wits makes me feel any better about it. बुरा लग रहा है तो ऐसे ही दिखते हुए. You have got amazing power if you just use them and you have got two. So don't you even think about losing to that jerk. भाई इंस्पिरेशनल स्पीच दे रहा भाई, ये तो वो बन गया हमारा संदीप माहेश्वरी. अरविंद वो है ये अरविंद माहेश्वरी. Be brave, stand up and fight. Okay. कमल अभी पेल फ्लो भाई 30 जनों के लिए वैसे कर ही देगा, इसके पास अच्छे खास पोकेबॉल है. और भाई मैं इसको बैक्स कैलिबर के ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे ना भाई सेव कर लो यार. ओ भाई सेव नहीं कर पाया. वो ये क्या हुआ भाई, वहाँ से अंदर आया हूँ मैं. अब सेव कर लेते बैक्स कैलिबर के लिए सही रहेगा. ओ वो बैठा. और ये क्या है, व्हाट द हेल, ये थी क्या टाइम मशीन बनाई इसने. ह्यूमन प्रेजेंस डिटेक्टेड विद इन द जीरो लैब. भाई उसको क्या हो गया. Deactivate sleep mode. What? भाई मुझे भाई what? भाई मेरे को लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है. हेलो मेरे थैंक यू फॉर कमिंग. क्योंकि उसको बोलते हैं एक बार जो फ्यूचर में चला गया वापस नहीं आ सकता. क्या सही भी ऐसा कुछ हो गया है भाई. ये रहा
ओ बास्टर बॉल व्हाट नो बैक टू योर बॉल वैसे बास्टर बॉल से पकड़ा है डैट बॉल इज फार लेस ट्रैक्टेबल एंड फार मोर एग्रेसिव देन द वन यू हैव ट्रैवल्ड विद यूर ये तुम्हारे जो बिराट वाले एरिया जीरो से भाग गया था बिकॉज क्योंकि वो अदर अच्छा दूसरे से ही हार गया था टेरिटोरियल स्ट्रगल गैस वो होता है कि अगर तुम इस एरिया में रह रहे हो अगर कोई दूसरा आता है तो एक दूसरे से फाइट करता है जैसे शेर एक ही जगह रह सकता है लाइक मतलब कहते हैं ना जंगल में एक ही शेर होता है वो वाला सीन है अगर वो शेर है दूसरा शेर बाहर का कोई जैसे आता है दूर तो दोनों आपस में लड़ते हैं जो जीतता वो रहता है वहाँ पर तो ये सीन होता तो हमारा मिराडोन हार गया था भाई इतना बुरा पिटा गया आई एम अफ्रेड डैड देयर इज समथिंग फॉर विच आई मस्ट अपोलोजाइज हाँ मुझे पता चल गया तू लिया वो देन हु यू आर क्या पूछा जाए कि अगर तू लिया तो फिर तू कौन है क्या बात कर रहे हो ऐसे सिचुएशन क्या पूछना चाहिए सीधा पूछता कि फिर आप ही कौन है लाइक बता दे खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द प्रोफेसर क्रिएट एम्ब्यूड विथ हिज मेमोरीज भाई मुझे लग एट नॉलेज इन शॉर्ट आई एम एन एआई पावर्ड रोबोट द रियल प्रोफेसर पास अवे ड्यूरिंग दैट डिस्ट्रॉय रिसर्च स्टेशन 4 ओ माय गॉड अरवन को पता ही नहीं है अरवन को लग रहा है कि उसके डैड इतने ज़्यादा बिजी है कि वो अपने फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे जबकि अरे यार जबकि प्रोफेसर टूर रिसर्च करते हुए पहले जो जो वहाँ पे जो क्रिस्टल आए ना वो जो कुछ जो तबाही हुई वहाँ पे वो तब पास मतलब चले गए हाइस पास्ट अवे द पॉक्यूल वॉज नॉट टू बी ब्लेम इट वॉज ओरिजिनल प्रोफेसर हु फेल टू एक्यूरेटली जज इट्स फुल पावर डैम I believe the professor wanted nothing more than for the Mirrodon to survive and thrive. अच्छा तो वो चाहता था कि ये Pokemon survive करे Don't tell me, इसको बचाने के लिए That is why he threw himself in front of your अरे हाँ भाई उसने अपने आप को इसके आगे कर दिया कि ये बच्चे For the time I reached out to Director Clavel L asked to be put in contact with you. I was never more than AI. Bhai, but the reason I asked you to come to me is because I have one last thing to do here at the Zero Lab and I desire your help. Okay, iske andar guys. Bhai, emotional kar diya unhone to yaar. Gala bhara hai mere to. L matlab ye jo Turo hai uski yaadein aur uske sare wo sab iske andar hai. To In short, I wish for you to put a stop to the time machine the original professor created. अरे उसके तो तबाह कर देंगे हम एक बेटे को बाप से दूर रखा उसने भाई और एक यार एलिगेशंस कैन बी एड्रेस एज वी मेक अवर अरविंद को पता चलेगा कितना बुरा लगेगा और मिराडोन तभी मिराडोन अपनी असली बैटल पावर पर नहीं था पहले उसके ऊपर ये था भाई साहब भाई नहीं यार देर से ये तो बहुत पूछ रहा है एंड आइटम टू बी हेल्प बाय पोकेमोन विद सर्टेन एबिलिटीज एक मिनट देख लेता हूँ आइटम ही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ध्यान इधर उधर करता हूँ मैं भाई ये तो बहुत ही बुरा सीन हो गया यार द एनर्जी डेट फिल्स दिस कैप्सूल बूस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द पोकेमोन ओके बूस्ट एनर्जी भाई दिल से बुरा लग रहा है यार बहुत बुरा लग रहा है मतलब इतनी सैड स्टोरी तो मैंने शायद किसी पोकेमोन गेम में नहीं देखी मतलब इसकी जबकि एरवेल की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है इसकी पैनी वाली स्टोरी जो वो भी बहुत ओपी निकली मतलब अब तक की बेस्ट स्टोरी में से अब तक ये दोनों बनी है और ऊपर से अब ये सैड स्टोरी ओ माय गॉड स्कारलेट और वॉलेट लाइक शायद मैं ये बोलूँगा कि अब तक की बेस्ट स्टोरी है पोकेमोन में मेरी ओपिनियन में ये बच्चों की स्टोरी से बढ़कर है ये बच्चों के लिए नहीं है ये बड़े लोगों के लिए दिस एलिवेटर विल टेक अस डाउन टू द लोअर लेवल स्टेप इनसाइड
डैम, पहली बार शायद इसमें दिखाया कि कोई करेक्टर मरा है। ओके, तो एआई है। इट ट्रूली इज अ ग्रेट रिलीफ टू मी डैट यू केम। आई विल आंसर एनी क्वेश्चन यू मे हैव। इज देयर एनीथिंग यू विश टू नो? भाई रियल प्रोफेसर को क्या हुआ ये बता। ऐसे एक्सप्लेन टू बिफोर द ओरिजिनल प्रोफेसर नो लॉन्गर एक्सिस्ट ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिसर्च स्टेशन। हिज फिजिकल बॉडी रिसीव ग्रीवियस इंजरीज डैट लेफ्ट इट अनेबल टू सस्टेन लाइफ। अरे यार बहुत ज़्यादा इंजरी लग गई थी उसे। आई एम अफ्रेड डैट दिस फैक्ट मे बी डिफिकल्ट फॉर रीजन आई वांट टू एक्सेप्ट। आई नाउ मैनेज द जीरो लैब इन द ओरिजिनल प्रोफेसर लैब। भाई तू बा बन की रहे उसके साथ यार, तो ज़्यादा अच्छा है। और AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि इंसानों ने बनाई है। और कंप्यूटर ड्रॉज ऑन द ओरिजिनल प्रोफेसर नॉलेज एंड मेमोरीज टू कैलकुलेट ऑल ऑफ माई थाट्स एंड एक्शन। और वो कंप्यूटर बड़ा हाईफाई है यार। और द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन एक्सप्रेस बाय दिस मैकेनिकल बॉडी बिल्ट टू रिसेंबल द प्रोफेसर इन एवरी वे। ह्यूमैनिटी डज नॉट इन फैक्ट पोसेस द नॉलेज। यार पता है मेरे को है ना, मेरे को ऋषभ भाई का ये वाला एपिसोड देखना है। जैसे ही वो अपलोड करेंगे मेरे को देखना है कि वो प्रोफेसर पे क्या हुआ, मतलब वो वाला प्रोफेसर का कुछ अलग सीन हुआ या सिर्फ इसी के साथ ऐसा हुआ है, या दोनों प्रोफेसर की इन दी एंड यही हुआ है। वैसे कोई भी कमेंट से लिखा गया नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाई चांस अगर ऋषभ भाई या कोई अगर पढ़े जिसने पार नहीं करके अभी मतलब पहुँचे नहीं है वहाँ पर उनका स्पॉइलर हो जाए, ठीक है। बट द क्रिस्टल डैट मेकअप जीरो लैब हैव मेड सच अ थिंग पॉसिबल हियर। दे आर ऑल्सो वाई आई कैन नॉट लीव दिस प्लेस। और ये टाइम मशीन क्या? टाइम मशीन इज सर्टिफाइज डैट द ओरिजिनल प्रोफेसर आई वर्क ऑन टुगेदर। इट सेंड्स पोकेबॉल टू अ डिफरेंट पॉइंट ऑन द टाइम लाइन टू कैच पोकेमॉन देयर। अच्छा, तो यहाँ से पोकेबॉल जाती है वहाँ कैच करके लाती है। इट कैन देन ड्रॉ देम बैक टू द प्रेजेंट। वेल ही वॉज अलाइव प्रोफेसर ट्यूरो हैड अ ग्रेट फैसिनेशन विद द पोकेमॉन फ्रॉम अनदर एज। फ्यूचर पोकेमॉन, जिसको फ्यूचर पोकेमॉन कहते हैं। इवन एज यू स्पीक द टाइम मशीन कंटिन्यूज टू ऑटोमेटिकली ड्रॉ फ्यूचर पोकेमॉन टू दिस टाइम। इसलिए हवा बंद करनी पड़ेगी। और तू चाहता क्या? ओरिजिनल प्रोफेसर का एक सपना था ऑफ अ वर्ल्ड इन विच फ्यूचर पोकेमॉन माइट लिव अलोंगसाइड प्रेजेंट डे। अच्छा, तो ये सपना था कि फ्यूचर के और अब के पोकेमॉन एक साथ रह सके, लेकिन ये पोकेमॉन स्ट्रेंज पावर मिल गए उनको क्योंकि बट दिस पोकेमॉन हैव गेन्ड अ स्ट्रेंज पावर ड्यू टू देयर अडेप्शंस। अच्छा, और वो काफ़ी ज़्यादा टेरेबल हुई, जैसे कि वो मिराडोन को बचाते हुए प्रोफेसर को आगे कूदना पड़ा जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। मतलब इतने ज़्यादा जख्म उनको मिले कि उनका शरीर लाइक फिर कैसे बताए यार। देयर वेरी एक्सिस्टेंस ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन टू द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ दिस करंट एज। इसलिए तो फ्यूचर भी रहने दो भाई उसे, फ्यूचर फ्यूचर है। तो ओरिजिनल प्रोफेसर वुड से डेट सच डिस्ट्रक्शन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, एट प्रेजेंट द बैरियर अराउंड एरिया जीरो स्टिल वर्किंग टू कीप द फ्यूचर पोकेमॉन फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द रेस्ट ऑफ पार्लिया। बट वी आर बिगर टू सी पोकेमॉन अपीयर डेट कैन ब्रेक द बैरियर सच एज आयरन ट्रेड्स। और क्या, आयरन ट्रेड्स भी आ गए भाई, बाकी भी आ गए। इवेंचुअली दे विल ब्रेक फ्री ऑफ दिस वॉल्ड गार्डन नोन एज एरिया जीरो और पूरा पार्लिया रीजन में तबाही मचा देंगे। और जब वो ऐसा करेंगे तो रिच एंड वेरिड इकोसिस्टम पार्लिया भाई खत्म हो जाएगा। आई मे हैव बीन क्रिएटेड एज अ कॉपी ऑफ द प्रोफेसर एंड येट। और मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, मतलब लॉजिक नहीं मिल रहा कि ऐसे ट्रेजेडी को कैसे रोका जाए। बट एनी होप ऑफ प्रिवेंटिंग इट वुड रिक्वायर ओवरकमिंग द ग्रेटेस्ट AI डेट द ओरिजिनल प्रोफेसर एडवर्टाइज्ड। अमृत भाई तुझे एक फॉरवर्ड ट्रेलर बोलना पड़ेगा ना, तुझे वो स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी टू डस्ट द ड्रीम टूर ऑफ वंस चेरिस्ट। अरे अभी कर देते हैं, नो बोल दो, क्या नहीं यार इमोशनल बोले उसमें नहीं कर सकता मैं। अरे कर देंगे, आप तो प्रोफेसर के लिए कुछ भी। आई अप्रिशिएट योर विलिंगनेस टू हेल्प। हाय भाई गाइस, ये गेम बोले मैं अपने ओपिनियन में अब तक की टॉप 5 में तो है ये गेम। और अगर मैं अपने ओपिनियन में बोलूँ तो इसकी स्टोरी अब तक की बेस्ट है, बेस्ट स्टोरी है पोकेमॉन की। मतलब फायर रेड पोकेमॉन रेड वो मुझे बहुत पसंद है, उसमें टर्न्स एंड ट्विस्ट है, बट ये कुछ ज़्यादा ही है। हाँ पोकेमॉन उसमें रेड में काफ़ी ज़्यादा वो भी है, क्या कहते हैं उसे, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान गई, वो सब उसमें ट्विस्ट एंड टर्न काफ़ी है। और ये इसमें क्योंकि मदद करने को हमें मिली,
बहुत मदद करी हमने, लाइक वाला हमने टाइटन लाइक उसको हराया, उसके कुत्ते को ठीक करा, फिर पैनी का वो स्टोरी कितनी अच्छी लिखी हुई है ना, बी होल्ड, क्या बी होल्ड भाई, दिस इज अ टाइम मशीन वी परफेक्टेड यूजिंग द पावर ऑफ अ टेरेस्ट्रियल फिनोमेना. क्या भाई, कौन सा फिनोमेना से हमने करा इसे भाई, टाइम मशीन है कैसे, ओ भाई गॉड, स्पायरल और वो सब भाई, यहाँ सेव कर लिया जाए क्योंकि बैक स्केल्यूर मैंने आगे रखा है, उसकी लेवल कम है, बट खैर कोई नहीं, देखते हैं आवाज़ कैसे आ रही है, तेरे से बात करूँ क्या. टू स्टॉप द टाइम मशीन यू विल नीड टू यूज द प्रोफेसर आईडी विच हैज़ बीन एम्बेडेड, ओ वॉलेट बुक के अंदर है, इट इज़ वेरी लाइक द प्रोफेसर टू पुट द फाइल इन वी वुड नीड इन दैट बुक, और वो बुक मेरे पास है, ही लव दैट वॉल्यूम सिंस चाइल्डहुड, इफ़ यू प्लेस द वॉलेट बुक अपॉन द पेडेस्टल हेयर यू विल एबल टू स्टॉप द टाइम मशीन. अच्छा यहाँ पे लगा लिया, अच्छा एक किताब का स्लॉट है, देयर इज जस्ट वन इशू, क्या, इफ यू ट्राई टू स्टॉप द मशीन आई विल लाइकली, क्यों भाई, क्यों, अच्छा उसको वो भी हो सकता है कि टाइम मशीन को प्रोटेक्ट करना, और इसके बस मेराड होना है, आर्टिफिशियल बींग डेटा है, माई ओन डिजायर कैन बी ओवर रिडन बाय द सिस्टम्स प्रोग्रामिंग, फर्स्ट डेट हैपन आई अफ्रेड आई विल बिकम नो मोर देन अ बैटल मशीन बाउंड टू डिफीट एलिवर्ट आइडेंटिफाई एज एन ऑब्स्टेकल बाय माई कोड आर पियरलेस. अच्छा तेरी बैटलिंग एबिलिटीज पियरलेस है, कोई इसकी टक्कर नहीं है, दे आर बिल्ड अपॉन एनालिस ऑफ ऑल द बैटल्स कैरीड आउट बाय द वेरियस चैंपियंस. अच्छा जितने भी चैंपियंस है उसको एनालाइज करके डाटा इसके अंदर डाला गया. हैविंग सीन द बॉड बिल्डर यू एंड योर पोकेमॉन हावर आई बिलीव यू कैन प्रिवेल. भाई तो इससे फाइट है, वंस यू हैव रेडीड यूर सेल्फ फॉर दिस फाइट, ओ माय गॉड, एक बार फिर से बात कर लो, अरे इसके माथे पे कहीं चिप भी नहीं है क्या, गाइस कहीं पानी डाल के थूक डाल के कुछ तो फ्यूज़ उड़ा दो उसका, गाइस चलो वो घड़ी आ चुकी है, ओके डाल देते बुक, वॉलेट बुक, और इसके अंदर ही प्रोफेसर की आईडी है, एक्सेस ग्रांटेड, एमरजेंसी शट डाउन, एक्सेस डिनाइड, क्यों, और इट भाई इट इज अप टू नाउ आईटी और स्विचिंग टू स्लीप बोर्ड एक्टिविटी ऑफेंसिव प्रोटोकॉल्स. प्लीज डिफीट मी भाई साहब, एट लास्ट माई ड्रीम इज विद इन रीच एंड यू आर गेटिंग इन माई वे. भाई उसकी फोटो नहीं खींच पाया वाली, और आगे 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 भाई पे रेड ऑन आएगा बाहर, व्हाट भाई, आई डोंट नो हु यू थिंक यू आर बट आई एम नॉट अबाउट टू लेट एनीवन गेट इन द वे ऑफ माई गोल्स. 60 लेवल, अगर मैं आयरन हेड मार के देखो तो, लेकिन फायर है और फायर मुझे लगा मेरा अटैक बढ़ जाएगा, लेकिन आयरन हेड फ्लिंच कर सकता है, लेकिन बग भी था वो, पता नहीं क्या है, स्लज वेव, ओके पॉइजन, ओके ज्यादा डैमेज नहीं हुआ. दिस इज द पावर ऑफ द डिस्टेंट फ्यूचर होल्ड स्प्लेंडेड इजंट इट. बस का कोड बिगड़ गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, नॉट वेरी इफेक्टिव, ठीक है, ओ भाई क्या कर दिया फिर से, आयरन हेड नहीं कल तो कर दिया ना, ओके okay, मुझे लग रहा है आईसीएल क्रैश करके देखूं, बच जाइए प्लीज बच जाइए, कवल कवल कवल, बच गया बच गया बच गया, शाबाश शाबाश शाबाश, यस सेकंड भी मार सकता था मैं, वो मेरा मूव गलती है, आयरन हेड दो बार चल गया, आयरन थॉर्न्स, ओके आयरन थॉर्न्स, ऐसे अर्थक्वेक मार के कर सकता हूँ, इसको बाद में बचा के रखता हूँ, कर तो बुल्डो से भी सकता हूँ मैं, अर्थक्वेक करता हूँ क्योंकि एचपी बचानी गैस, और अगर स्टील का है हाँ, तो मुझे फायर तो चाहिए,
आयरन थॉर्न्स। ओके ये शायद वो है क्या, सांड। ओ भाई टीटर। ओ भाई उसने भी मार दिया भाई। पहले जा बचा बचा बचा। और उसकी स्पीड वैसे ज़्यादा। डू यू इमेजिन यू कैन बी द वेल्थ ऑफ डाटा एट माई डिस्पल विथ योर हीरो कीपर ब्रेन। भाई एक मिनट, थैंक गॉड भाई। सूडो लेजेंडरी है टेनेटर। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग चाइल्ड। डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड फ्यूचर पोकेमॉन्स वीकनेस? यस भाई भाई, तभी चाइल्ड चाइल्ड कर रहा था। आयरन हैंड्स देखता हूँ जरा मैं। बस सारी मास्टर बॉल के अंदर है क्या इसके पास? सब मास्टर बॉल के अंदर है क्या इसके पास? ब्रेकआउट, ओके नॉट वेरी इफेक्टिव। डैम अब तो मेरा चलेगा। ये ले बच गया। ओ डैम 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 डैम। ये दिक्कत है, मुझे निकालना पड़ेगा गाइस। पोकेमॉन दूसरा एक्सकैलिबर क्योंकि ड्रेन पंच मार रहा है। और भाई गोस्ट तो फाइटिंग आर पर जाना चाहिए मेरे। और ये स्टील है तो फायर से कर सकता हूँ मैं। देखा ओ सुपर इफेक्टिव नहीं आ रहा, क्रिटिकल हिट मारा है और बच गया। बट सम सॉर्ट ऑफ एरर हैज ऑकर्ड, रिकैलकुलेटिंग फॉर क्रिटिकल डैमेज। अच्छा नया नया डायलॉग सुनने को मिल रहा है। क्रिटिकल ना लगता तो डायलॉग नहीं आता है। पंच मारी जरा, थंडर पंच। डैम बॉय, ओके तो इसके ये स्टील तो नहीं था ये। म्यूजिक कितनी अच्छी बज रही है। अब क्या भेजने वाला है? आयरन जुगलिस वो है, वो उड़ने वाला। हाँ वो जो है हाइड्रेगन का, हाइड्रेगन फ्यूचर हाइड्रेगन। हेल हाइड्रा। बस फिर से फास्ट बॉल। बट डोडल भी तो ऊपर से ही पकड़े जा रहा है। मतलब पोकेबॉल स्पीड मेरी ज़्यादा है। अब देखते हैं क्या बढ़ता है। फायर तो नहीं मारेगा ना? ओ मार ही दिया भाई उसी टाइम, जैसे ही बोला उसी टाइम मार दिया। आई होप अब मैं काफ़ी हील कर पाऊँ। कितनी ओ ऑलमोस्ट मैक्स हो गई थी, फुल हो गई थी, फुल। आयरन बंडल, आयरन बंडल इज वाटर आइस। तो आइस है ना वो, करके देखो एक बार फ्लाइव ट्रिक मार के देख लेते हैं। बट आइस भी है, मुझे निकाल सकता बताओ। क्या म्यूजिक है, अगर ये मॉडर्न है तो स्कारलेट वगैरह होगा। कार्लेट में कैसा होगा म्यूजिक? ओ है सुपर इफेक्टिव है। एक बार में आई होप जाएगा, क्रिटिकल तो लगेगा सुपर इफेक्टिव के साथ। क्या एक बार में? यस फ्यू। ओ गर्दन निकल गई उसकी, स्प्रिंग एकदम। आयरन वैलियंट ये नहीं पता मेरे को कौन सा। ओके तो देखते हैं आयरन वैलियंट। ये कोई वो तो नहीं है कॉपर जा या फिर एवरीथिंग इज प्रोसीड विथ माई एक्सपेक्टेड। आई अफेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग इज जीरो। कह रहा कि हम मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। ओ ये तो वो है गैलेड। ओ ये क्या हुआ? हेलो क्या कोर की ड्राइव? ओ अटैक बढ़ चुका उसका। ओ भाई साहब
साइको गड्ढा। ओ भाई क्या मैं भाई साहब बच गया। जैसे क्रिटिकल हिट टू यू इट्स टाइम यू सिंपली गिव अप चाइल्ड। अभी मैं भी मारता हूँ ज़्यादा, देखते हैं तू अगर साइकिक। ओके ऐसे करते हैं, मैक्स ही यूज़ करता हूँ और उसके बाद देखते हैं भाई फायर लगेगा नहीं लगेगा इसमें। तो शैडो ब्लेड तो काम कर रहा है बट उतना काम नहीं कर रहा। अरे जीत गया मैं, घुस जाऊँ क्या इसमें? गैस लास्ट पोके मैंने नहीं ना हील कर लेता भाई लास्ट को, मेरे को नहीं पता क्योंकि हील कर लेता हूँ। उसके बाद इसके पास वो भी है मेराडॉन भाई, सुपर इफेक्टिव नहीं आया। ठीक है गैस हमने हरा दिया प्रोफेसर टूरो एआई को, एआई को हरा मैं जिसने सारे चैंपियंस का डाटा जिसके पास है। भाई साहब ये काफ़ी तगड़ा ट्विस्ट था, इम्पॉसिबल भाई तू खराब होते यार। तेरे को अरविंद को मिल भाई, अरविंद को एटलीस्ट झूठा बाप बन के ऐसे कुछ तो मिल जाए। ओके गाइस हमने इसको रा दिया, अब शायद शट डाउन कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। हीलिंग मुझे करनी पड़ेगी भाई, खराब हो गया। अब रेत ओ भाई अरविंद आ गया, शिट मैन भाई अरविंद को नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, अरविंद को नहीं आना चाहिए। व्हाट इज दिस, डिड यू ऑलरेडी बीट ऑल द बैटल्स विदाउट मी? ओके आउट विद इट, यू क्या यू, हु आर यू रियली? डैम अब कहानी से पता चलने वाली है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, द टाइम मशीन हैज फाइनली बीन स्टॉप्ड, यू आर रियली नॉट माई डैड आर यू? अरविंद यार तो चला जा यार यहाँ से, चला जा भाई। ओ लुक हाउ बिग यू हैव ग्रोन, डैम उसके बापों की मेमोरी से उसमें, और वो गाइस वो अभी मेमोरी चलेंगी वो भाई। एक बाप अपने बेटे से नहीं मिल पाए, एक बेटा अपने बाप के इंतजार में भाई। इसकी स्टोरी बेस्ट है, इसकी स्टोरी बेस्ट है, सो प्राउड ऑफ यू माय भाई। सॉरी अब भाई मेरे को तो रोल आ जाएगा, सॉरी यू आर अलोन सो लॉन्ग अरविंद डैड। सिक्योरिटी सिस्टम फेलियर भाई, तो रुला के छोड़ेंगे भाई। गाइस थ्रेट टू टाइम मशीन डिटेक्टेड, क्या भाई थ्रेट तो क्या, हमने तो हम तो बंद करने आए हैं। वो व्हाट्स गोइंग ऑन, इज अनदर आर्मी ऑफ पोकेमोन ऑन इट्स वे हियर, इट कैन नॉट बी, क्या क्या कौन आ रहा है? Adversary prevented the time machine from performing as intended. Activate Paradise Protection Protocol to remove the offending obstacle. But I was keeping the time machine running to truly all the professor cared about. So accept those registered to choose. भाई हमारी सारी पॉकेबल लॉक कर दी। What the? Gathering terrestrial energy. I am sorry, children. This is too much for you. भाई आई हैव टू डिसेबल पैराडाइज प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल इनिशियलाइज्ड, डैम भाई प्रोफेसर ने एक ऐसी चीज़ कर रखी थी अगर टाइम मशीन पे अगर फिर भी कुछ खतरनाक सा आ जाए तो एआई को भी हटा के लाइक मतलब वो टाइबिशील को रोकना नहीं देना चाहता था प्रोफेसर। ठीक है भाई ले रोक ले चाहता था बट उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा उस, क्योंकि वो पोकेमॉन बड़ा स्ट्रांग था भाई। फिर से आएगा क्या सारे? ओ भाई बड़ा आ गया भाई, सारे पोकेमॉन लॉक है सिर्फ प्रोफेसर वाला एआई की भाई। भाई यही निकल सकता गैस, सरुलाइज को लगा लो। गार्डन ऑफ पैराडाइज इज टू आवर पॉकेट वर्ल्ड बट हाउ आर वी सपोज टू बैटल? भाई मेराडॉन आ जाओ,
तेरे को आना पड़ेगा। टाइम बहुत, तेरे को आना पड़ेगा, दिखा दे तू भी कब नहीं है। तेरे को मैंने हर पर मिस्टेक खिलाई है सारी, दिखा एक बेटे के लिए एक बाप के लिए कर दे भाई। ओ, ओ काटे गए गए सांप की तरह। कमल मिराडोन, कमल मिराडोन कर दे। स्माइल मार रहा है। ओ माय गॉड भाई, हार गया भाई, भाई आ गया। डैम हमारा मिराड और बेटर फॉर्म आ चुका है आज। पैसे क्या, तूने कैसे मारा था, मतलब कैसे फालतू बोल रहा है। आ जा मारूंगा क्या, लेकिन मैं ऑटोमेटिक लड़के क्या ये। पिछले बार तू जीत गया था ना, लेकिन इस बार हम साथ हैं। हैड्रोन इंजन, क्या भाई ये क्या करता है। अच्छा इलेक्ट्रिक टैरन कर दिया, ओके। द यूजर अटैक्स विद अ रे ऑफ लाइट दैट स्पार्क एज इफ इट वर मेड ऑफ जेमस्टोन्स। ओके वो इलेक्ट्रिक टाइप है तो वो यूज कर सकता हूँ मैं। द यूजर, ये क्या है, द यूजर रेजेस फॉरवर्ड एट अल्ट्रा फास्ट स्पीड पियर्सिंग इट्स टारगेट विद फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी। दिस बूस्ट पावर इज बूस्टेड मोर देन यूजुअल इफ इट्स अ सुपर इफेक्टिव। अच्छा सुपर इफेक्टिव तो और ज्यादा हो जाएगा। इफ द यूजर टेरेस्टलाइज इट अनलिशियस एनर्जी ऑफ इट्स। ओके ये तो हुआ, करके देखिए पावर जम भाई। क्या टॉन्ट, अब भाई तू पिटेगा अभी, तू दे दे मुंह पे दे, ये ले सुपर इफेक्टिव आया। नहीं आया, इट्स अ न्यू ड्यूस बैटल, लेट्स गो मिराडो, यू गॉट दिस भाई। चीर वीर करती रहे से यार। ओके अगर मैं ये मारू तो यू विल फॉल हियर विद दिस कार्ड एंड अचीव नथिंग इन द एंड। क्या 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 भाई, बेर में इतना ज्यादा डैमेज कैसे हुआ है। आई नॉट वेरी इफेक्टिव, यू विल नॉट बी लॉट टू डिसअप योर ऑब्स्टेकल्स, टू बाई गोल्स विल बी एलिमिनेटेड। ओके चार बार ऐसे भाई, इसकी अलग मूव है, मेरा अलग मूव है। टाइम स्पेशल डिफेंस रोज, और ये क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा दिस लुक्स लाइक इट कुड बी बैड, है कि नहीं। देर अमृत हील करेगी, करेगी प्लीज 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 गाइस, मेरे को ना हिल करना पड़ेगा गाइस। ये तो 120 अगर उसे डालता हूँ, देखता हूँ। टाटा से आई एम सुपर फॉल एंड बिकम फाउंडेशन अपॉन व्हिच माय ड्रीम मे बी बिल्ड। पहले पोशन दे दे, उसके बाद बोलता रही तू। हाँ पोशन आ गया ना, बस यकीन ले लो पोशन से पहले डायलॉग आ गया, मतलब मैं सोचता कि हमेशा पोशन है। ओ हाइपर भी, व्हाट भाई, क्या यू कैन डू इज भाई, तू ले ले मेरी जगह हिट, तू चैंपियन बन जा। ओ स्पेशल अटैक रोज शार्पली, हाय भाई 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 भाई, सामने वाले के यार बहुत तगड़े मुंह है यार, हमारे पास नहीं है इतने तगड़े मुंह, बट हमारा स्पेशल अटैक बढ़ चुका है, स्पेशल अटैक बढ़ चुका है हमारा, और उसको रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसने हैप्पी बीम चलाई है। ओ भाई कैन वी रियली पुल ऑफ मिराडोन की लाइट करते नहीं। अवरेज योर टेरा ऑप्स ग्लोइंग, सच में अबरे ब्राडो टेरेस्टलाइज एंड फिनिश दिस ऑफ। और तेरी अब तो सारे कह रहे भाई, और अटैक भी बढ़ गया, स्पेशल अटैक शार्पली रोज लो गया, डिफेंस भी बढ़ गया, स्पेशल अटैक रोज भी हो गया भाई, सब कुछ हो गया, स्पीड भी बढ़ गई मेरी। ओके 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 मैं ड्रैगन बोलूँगा, मैं आप बताता हूँ तेरे को, मैं नॉर्मल ड्रैगन था ना ये, फ्यूचर में ड्रैगन रहा और अब टेरा भी ड्रैगन है, और टेरा टाइप मारूंगा मैं वो ड्रैगन टाइप। डैम्ड क्या लग रहा भाई, भाई साहब बारी बारी देखते हैं। एक में भाई, यानी कि वो पहले हमें बचना था बस,
किसी तरह बचना था हमें वो। अब बोल भाई। भाई ये भी क्या पैराडाइज प्रोटोकॉल पे हमने तोड़ दिया। पैराडाइज प्रोटेक्शन, प्रोफेसर को अगर पता होता ना कि ये कितना खतरनाक हो सकता तो वो कभी ये चीज़ें नहीं करता, बट वो पहले कर चुका था, उसकी वजह से उसकी जान चलेगी और अभी भी जो उसने बना रखा है वो भी अभी भी चल रहा है। मतलब उसके बच्चे की भी जान जा सकती थी, मतलब हार्ड तो जाती है, अरविंद की भी जान जाती है। यू डिड इट, इट्स नॉट गोइंग बर्सरकर एनी मोर। हाउ हाउ वेरी एस्टाउंडिंग। टू थिंक डैट यू वुड मैनेज टू डिफाई इवन द ओरिजिनल प्रोफेसर फायर प्रोटेक्शंस। आर यू बैक टू नॉर्मल? यस, अ कंप्लीटली अनफोर्सिन आउटकम इवन फॉर एन एआई प्रोसेसिंग द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एवर कंसीव्ड। और तेरे पास वो भी था, हमारे से ज़्यादा खतरनाक था, बट हमारा ज़्यादा खतरनाक निकला। इवन ऑन द ब्रिंक ऑफ डेस्पेयर यू चिल्डर डिड नॉट गिव इन एंड इंस्टेड प्रूव्ड योर वर्थिनेस। भाई इसकी स्टोरी बेस्ट है, स्टोरी बेस्ट है। भले आप लोगों की बाकी गेम्स फेवरेट हो सकती है, मेरी भी जैसे फेवरेट थी, बट ये खेलने के बाद मेरी फेवरेट ही बन चुकी है। मतलब लिटरली बहुत ज़बरदस्त ओपी। एट द 42 टू डू व्हाट हैड टू बी डन, नो मैटर हाउ चैलेंजिंग ऑफ अ फ्यूचर में आई वेट यू, आई बिलीव, मैं तेरे पर भरोसा करता हूँ तू उस पर चल सकेगा जो भी तू पाथ चूज करे अपने लिए। विथ प्राइड आई थैंक यू अमृत, आई थैंक ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, बट आई रेड डेट टाइम शी कैन नॉट बी पुट टू अ कंप्लीट स्टॉप सो लॉन्ग एज आई एम हियर। तो फिर इट अपीयर्स आई मायसेल्फ एम पार्ट ऑफ द सिस्टम डैट एंश्योर्स। अच्छा, एआई ऐसा बना रखा है कि जैसे ही अगर ये स्टॉप भी होगा तो वो उसको रिस्टार्ट कर देगा, रिबूट कर देगा, तो ये सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता। भाई आई एम सॉरी, क्या यू नो वेल आई वॉज वॉचिंग यू ऑल ऑन योर एडवेंचर फ्रॉम डाउन हेयर, आई फेल्ट अ सेंस ऑफ जेलसी, आई एनविड यू योर फ्रीडम, द वे डैट यू केम टूगेदर वर्किंग इन लीग विद योर फेलोज, द वे डैट यू शॉट स्टैंड एंड टू बेटर योर सेल्फ। पहले उसने पैनी का बोला, फिर एस का बोला, क्योंकि ये अवशिष्ट मतलब बेटर होना चाहती है। द वे यू कुड फेस डाउन इवन द ग्रेटेस्ट एनिमी, उसको बचाने के लिए जिसको तू प्यार करता है। देखो तभी कह रहा हूँ गेम, इस गेम की बेस्ट हो रही है। देखो डायलॉग भी कितने ओपी लिखे हैं। उसको बोला कि तू अपने फैलर्स के लिए इतना कुछ कर रही है, उसको बोला, निमोन को बोला कि तू स्ट्रांग हो रही है, बेटर हो रही है, और इसने अपने महाबशिव को बचाने के लिए मतलब टाइटन से जा लड़ाई है। और मेरे लिए कह रहा है द वे डैट यू नेवर सीज टू सीक नॉट टू फाइट फॉर अ ट्रेजर। हाँ, मैं तो ट्रेजर ढूंढ रहा था भाई, है खुश हो रहा भाई। हाँ, एंड द वे डैट यू सोड फ्री थ्रू द वेरी स्काइज ऑन दोस विंग्स ऑफ यर्स। आई विश डैट आई टू माइट बी एज फ्री एज यू ऑल, फ्री टू सीक आउट डैट विच आई माइट ट्रेजर नॉट बाउंड। कला बैठ गया भाई, इमोशनल इतना करते हैं ये। योर ओन ट्रेजर, क्या है वो? एज लॉन्ग एज आई रिमेन हियर द टाइम मशीन विल नॉट स्टॉप फॉर आई एम एक्सट्रिकेबली कनेक्टेड टू इट। ओके, सो पहले एक डिसीजन बनाया, तो पहले क्या मैं ये टाइम मशीन चूज करूँगा वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर में जाने के लिए, जो मैंने सोचा है वहाँ जाएगा ये। वट यू कैन जस्ट लीव नाउ राइट व्हेन वी फाइनली रीच यू। भाई अगर मैं लाइव खेल रहा था ना भाई, मेरे से नहीं होता। आई एम नॉट गोइंग ओनली सो डेट द टाइम मशीन वी कैन बी स्टॉप्ड, आई एम नॉट गोइंग ओनली, आई ऑल्सो कैन नॉट डिनाई माई डिजायर टू सी दैट फ्यूचर वर्ल्ड फॉर माई सेल्फ। इस दिस वट इट फील्स लाइक टू हैव योर हार्ट रेस विद द थ्रिल ऑफ एडवेंचर। हाँ, इसी को कहते हैं। Well, I'm sorry that I kept the truth from you for so long. भाई अब बताने वाला है, मैंने जो तेरे पिता के, जो प्रोफेसर के सारी इच्छाएं और जो उनके ख्याल हैं वो मैंने अपने अंदर रखे हैं। सो आई अंडरस्टैंड बेटर देन एनी, योर फादर ट्रूली लव्ड यू। भाई बोल दिया इसने, You can't. Epic.
Arwen, Miradon, Amrit. It is a little sad. But I am afraid this is goodbye. I bid you adieu. ओके तो किताब लेके साथ ही जा रहा वो। भाई इससे इमोशनल एंडिंग तो मेरे को नहीं लगता किसी गेम की हो सकती है। वैसे इमोशनल एंडिंग किसी गेम की नहीं है। मतलब पोकेमोन गेम में सही है पोकेमोन रेड भी काफ़ी इमोशनल था बट इसलिए तो भाई नेक्स्ट लेवल कर दिया। अच्छा इसको कहीं ना कहीं पता था कि ये हो चुका है, इसको कहीं ना कहीं लग रहा था क्योंकि एरिया बहुत खतरनाक था। डैम हेलो डैड थिंग वाज फेक बट इट वेल इट्स सेड माय नेम यूजिंग हिज वॉइस एंड वेयरिंग हिज फेस। भाई साहब इसको अपनी फॉर्म तो मिल गई। हाँ सैड भाई सारी सैड है। मतलब जो भी ये एपिसोड देखेगा ना मैं सब बता रहा हूँ, मतलब जिसने स्पॉइलर नहीं देखा होगा जो फर्स्ट टाइम देख रहा होगा भाई। बट एट डेडल बैटल फॉर्म हाउ कुल इज डैट इट्स सो स्ट्रॉन्ग। वो तो है। इफ ट्राइज टू नज एट मी फॉर अ बेली रफ वाइल इट्स ह्यूज लाइक दिस आई सीरियसली थिंक आई एम गोना डाई। अबे वो उस फॉर्म में आएगा नहीं तेरे पास, टेंशन मत ले। हे नाउ इट्स लेट्स नॉट स्किप ओवर द बिग विन हियर अमृत एंड मिराडोन जस्ट सेव्ड ऑल ऑफ पैल्डिया। दैट्स व्हाट यू बोथ डिड अमेजिंग थैंक्स अमृत। या दैट्स माय पार्ट अमृत फॉर यू। यू आर द प्रोफेसर गोन आई बेट ही इज फाइनली हैविंग अ रियल फन एडवेंचर। जो उसका सपना था वो और क्या। Yes, sorry. What should we do now? Out या घर घर ही चलते हैं यार। You said it. Come on everyone, let's make our home. भाई साहब क्या गेम बनाई है। आरकेएस लेजेंड फेल कर दी भाई। मतलब वो उतनी लाइक अच्छी थी बट एज अ स्टोरी वाइज मैं बताऊँ भाई सब चल रहे हैं। अरवन कैसे चल रहा है। व्हाट इज इट एंड गेट अ लिटिल मोर फन आउट ऑफ दिस एडवेंचर आई डोंट रियली। सो नेक्स्ट फर्स्ट आई एम इन नॉट यू टू। भाई इसको चेयर करने के लिए कर रहा हूँ। आई गेस वी आर डूइंग दिस। भाई इसकी स्टोरी ओपी। अब शायद क्रेडिट्स आएंगे शायद। ओके गाइस अब ये गाना कॉपीराइट ना ला दे तो इसको शायद मैं हटाओ भाई। ओ हट जा यार डैम। खैर चलो इसको रिकॉर्ड होने देता हूँ, पहले इसको चले देता हूँ, इसको म्यूट कर दूंगा, बाकी अपनी बात करते रहते हैं। सीरियसली ये गेम की जो स्टोरी है ना इस पहली बार गेम में देखो हर पोकेमोन गेम में क्या होता था कि तुम्हारे पोकेमोन से तुम्हारा प्यार है वही है सब कुछ है ना। एक एक वो रिलेशनशिप दिखाते थे
बट इसकी स्टोरी में ये दिखाया गया है कि तुम्हारे पेरेंट्स से जो रिलेशनशिप है तुम्हारे, क्योंकि निमोना का भी वही दिखाया गया था और पैनी का भी बीच में जो उस समय बताया गया था, निमोना का बताया कि वो उस घर से उसके पापा और वो काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव है, तो वो क्या कहते हैं, लेकिन वो करती रहती है, अपने आप को बेटर करती रहती है, मतलब ट्रेजर अपना ढूंढना, वो इसमें दिखाया गया है असली लाइक। अब दिखाया गया पोकेमोन गेम में कि तुम्हारा पोकेमोन चैंपियन बनना ही नहीं है, पोकेमोन की दुनिया में तुम पोकेमोन चैंपियन बनने नहीं आए हो, सबका अपना अपना रोल होता है। एक होता है चैंपियन बन जाता है, ठीक है, एक होता है ब्रीडर लाइक ब्रॉक जैसे एयरवन या वो, एक होता है तुम्हारा राइवल जो तुम्हें पुश करता रहता है, एक होता है जैसे एक जैसे ये है लड़की पैनी लड़का है लड़की जो भी है कि अपने दोस्तों के लिए उसने अपने आपको सेक्रीफाइस करा है ना 1.5 साल के लिए लाइक। तो मतलब पोकेमोन की स्टोरी इस बार इन्होंने बहुत जो जैसी दिखानी चाहिए वैसी दिखाई है लिटरली भाई। इस बार इन्होंने ओपी कर दिया, बेस्ट कर दिया सही में, ये नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं ये भाई। ऐसी स्टोरी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सीरियसली, और सच बताऊं कि जो डिज़ाइन था उसमें, सैरुलाज का डिज़ाइन देख लो कितना ओपी है, मिराज डाउन का डिज़ाइन देख लो कितना ओपी है, फ्यूचर पोकेमोन का इतना डिज़ाइन ओपी है, मतलब इसमें बाकी और भी चीज़ें हम कर सकते हैं लाइक दूसरे पोकेमोन भी पकड़ सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा था। बट वो अलग बात है कि हाँ उनकी लेवल ज़्यादा थी हम नहीं कर सकते, तो एक तरीके से वो वही हम वहीं रुक गए कि जितना लेवल नहीं कर सकते वो हम उससे फाइट नहीं ले सकते, जैसे कि वो डॉन फैन था आयरन वाला, तो शायद 45 लेवल समथिंग था कुछ हो और मैं वहाँ पे शायद 25 लेवल पे पहुँच गया था, तो अच्छा वो फाइट उस समय, तो वही सीन है अच्छा। इन्होंने बहुत कुछ करा, बहुत कुछ अच्छा करा है, और क्या अच्छा करा इन्होंने। अब मैं नेक्स्ट जो पोकेमोन गेम आएगी अब उसके लिए मैं सोचूंगा कि ऐसी स्टोरी लिखेंगे, नहीं मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऐसी स्टोरी लिखना लाइक बहुत मुश्किल होता है। तो गाइस क्या करा जाए, क्या कहा जाए, तो एक्सपेक्टेशन मत रखना नेक्स्ट स्टोरी गेम की कि इससे अच्छी हो सकती है, इससे बुरी भी हो सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आप नेक्स्ट गेम की रखोगे ना तो गाइस अगर वो उतनी अच्छी ना निकली तो दर्द होगा, सही बता रहा हूँ। तो बट ये वाली एंजॉय करो, जिसने लाइक नहीं खेली वो देख ले ज़रूर, और मैं प्रे करूँगा कि निंटेंडो स्विच आप लोगों के पास आ जाए जैसे कि आप खरीद के उसको लाइक ये गेम को ज़रूर खेलें, खुद एक बार एंजॉय करें सही में, ओपी है भाई। भले मेरा तो ये रिव्यू मैंने दे दिया इसका, बाकी आप लोग कमेंट से बता सकते हो। एज अ स्टोरी बहुत इमोशनल स्टोरी है, बहुत ओपी स्टोरी है, बहुत उम्दा लिखा है, बहुत ज़बरदस्त लिखा है, 10 फाड़ दिया भाई, मतलब 10/10 क्या, मैं इसको 20 पॉइंट दूंगा, 10/20 भाई, ये बेस्ट पोकेमोन गेम है। लेट्स गो पिकाचू अच्छा था क्योंकि, और ऑब्वियसली वो अच्छी इसलिए कि वो पहली बार निंटेंडो स्विच ऐसी गेम आई थी, ठीक है, उसका हमें पता था क्या होने वाला है पहले से। स्वॉर्ड एंड शील्ड हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छी थी, अर्केस लेजेंड चेंज करा गया, स्टोरी के मामले में ये बेस्ट निकली है भाई साहब, और ये पता नहीं कब तक चलेगा, खैर जो भी है तब तक बातें करते हैं, या फिर इसको मैं कट कर देता हूँ, देखता हूँ कब तक चलेगा। इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स भी है सब कुछ, कोऑर्डिनेटर्स पोकेमोन स्कारलेट और वॉलेट कॉन्सेप्ट शिगुरी ओहोमोरी। तो सो फार हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे ख़त्म नहीं होती गाइस, अभी हम और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। ओ ख़त्म हो गया लोल, मेरे को लग रहा था मेरे को कट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे थैंक यू ट्रेजर फ्रेंड्स, देखा मतलब ट्रेजर इसमें दिखाया गया कि असली में चैंपियन ही होना सब कुछ नहीं है। ओ कैसे दांत फाड़ रहा है भाई दांत कैसे फाड़ रहा है लोल, टैब बॉय प्रोफेसर डैम। ओके तो गाइस हमने पार्टिया को बचा लिया है, प्रोफेसर को उसका ड्रीम जीने दे दिया है जो कि चाहता था वो, और किसकी डिंग डोंग बजे भाई। अच्छा डायरेक्टर ऑफिस में बुला रहे हैं, मास्टर अवरित मिस निमोना मास्टर अरविंद मिस पैली तेरे को अपने ऑफिस में देखना चाहते हैं, ठीक है भाई गाइस चलो चलते हैं वहाँ पे। पहले मैं सोच रहा एक बार नर्स के पास हो के आ जाओ, क्या कहाँ है हमारी नर्स, थोड़ा सा दिल को सुकून चाहिए, आज इन्होंने बहुत रुलाया। नर्स कहाँ है, आपके कंधे पे, आपके छाती, आई मीन आपके कंधे पे
सर रखे थोड़ा सा, मैं गोदी में सर रखे सोना चाहता हूँ यार। डायरेक्टर के ऑफिस में जाना पड़ेगा यार, इन्होंने तो गायब भी कर दी नर्स। भाई मिरियम मैडम, ओके तो चलो गाइस हम, हाँ लुक्स लाइक द हीरोज फाइनली हियर। भाई हीरो तो भाई तेरा बापू भी है और तू भी है। वुड यू ज्वाइन अस, तूने बुलाया किस लिए, ज्वाइन ना करूँ वापस चले जाऊँ क्या है? मतलब वी आर इन ए फॉरेन एयरफुल aren't we? Guess we'll find out soon. अब भाई बोल दे, नो नीड फॉर कंसर्न यू टू, आई एम नॉट एंग्री इन द स्लाइटेस्ट। अच्छा इसको पता चल गया, आई मेरी कॉल यू ऑल हियर टू डिस्कस यूर फाइल अचीवमेंट इन दिस ईयर ट्रेजर हंट। यू शट डाउन द प्रोफेसर टाइम मशीन एंड दस प्रिवेंटेड द पोकेमॉन फ्रॉम द फ्यूचर फ्रॉम रनिंग रैम्पेड। योर एक्शन वर ट्रूली आउटस्टैंडिंग इन एवरी रिगार्ड। और भाई इससे ज़्यादा प्राउड नहीं हो सकता, तो योर डिसीजन टू एड्रेस स्ट्रिक्टली ऑफ लिमिट्स एरिया वॉज एट मेटेरियली रिग्रेटेबल। भाई करना पड़ता है, कुछ लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। यू हैव गॉट अस देयर, हाउएवर सिंस दिस वॉज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट पार्डिया एंड इट्स प्रीवियस इकोसिस्टम, तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। फ्यू, सो वी आर नॉट गेटिंग रेक्ड ओवर द कोल्स आफ्टर ऑल। और बिफोर आई फॉरगॉट माय ब्रीथ देयर समथिंग आई वुड लाइक टू, क्या क्या क्या? अच्छा मेरे दोस्तों को पहले मिल चुका है। ओ मास्टर बॉल, व्हाट, इन सबको मास्टर बॉल मिल गई क्या? भाई इनको मास्टर बॉल क्यों दी है? एज अबाउट द हॉल ऑफ फेम बैच आई गेव यू अ शॉर्ट व्हाइल अगो, दैट गिफ्ट इज वन वी बिशो ओनली अबाउट स्टूडेंट टू अचीव ट्रूली, ओके आई एक्सपेक्ट यू टू ऑनर व्हाट दैट बैच रिप्रेजेंट बाय स्ट्राइविंग ऑलवेज टू सर्व एज अ मॉडल फॉर योर फेलो स्टूडेंट्स। यू कैन काउंट ऑन मी सर, अरे Splendid, such enthusiasm will surely take you far in life. Almaster, I'm so sorry to about. यार क्यों फिर से emotional कर रहा है यार? देखो director के level का चेहरा देख रहे हो कितना उदास है। Expression इन्होंने इस बार दिखाया है अच्छे खासे। You have my deepest condolences. Ah well. Yeah, it was pretty rough when I found out my. अरे ऐसा मत बोले भाई। But weirdly enough, my head actually feels clear now. For the first time in ages. In the greater greater, I got to learn a bit about my dad's research and वो क्या अचीव करना चाहते थे। I guess if you are building something as mind blowing as a time machine that takes priority over shivering, देख ये भी mature हो गया, इसको भी पता चल गया कि हाँ भाई कुछ चीज़ ऐसी चीज़ बना रहे तो obviously priority तो as a professor scientist की तो वहाँ जाएगी ना, family की तरफ नहीं जा सकती चाहे वो आपसे कितना भी प्यार करते हो। Not just guys scientists, parents चाहे वो दिन रात काम करते हैं, but अगर आपको टाइम नहीं दे पा रहे उसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। भाई गेम ओपी है। ऑल आई नो इज आई एम डन फीलिंग लाइक सम लॉस्ट लिटिल किड। आई एम गोना एंजॉय एवरी लास्ट डे टिल ग्रेजुएशन विद माय बड्स हियर एंड मोबाइल स्टिक ऑफ कोर्स। वेल सेड मास्टर, यू ट्रूली आर योर फादर सन। ऑफ कोर्स आई मस्ट रिमाइंड यू दैट यू हैव नाउ वेयर नियर एनफ क्रेडिट्स। अच्छा भाई तेरे को लोलिस के नंबर नहीं होते ना, तेरे को कैचअप करना पड़ेगा। अरे भाई एंड लेट अस नॉट फॉरगेट द अदर गुडनेस अवर एकेडमी एज अ न्यू चैंपियन वो की अब जो कि हम है, तो वी सर्टेनली कैन नॉट मेक यूर वैलेंट डीड्स इन द ग्रेटर नोन टू द पब्लिक। अच्छा इसके जो हमने जो क्रिएटर पर कराना है जो वो पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि लोग डर जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर पोकेमॉन कोई ऐसे वहाँ पर घूम रहे हैं तो समझ जाओ। शुड बी सेलिब्रेटेड। चलो भाई गाइस, ओ आई नो हाउ वी शुड सेलिब्रेट। हाँ बैटल पोकेमॉन, चल 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 निकल यहाँ से। Seriously, could we not? Classic pneumonia, pneumonia, pneumonia. A Pokemon battle contest, you say. While your own vested interest in such a venture are more apparent, Miss Pneumonia, I think it's a finality. Why nahi? But please understand that a large scale event will be quite beyond us. We have many other school activities. हाँ और क्या? What am I interested in? I could help but over here. कौन आ गया यार? गीता आ गई क्या? हाँ गीता आ गई। ये कहाँ पीछे रह सकती है? The Pokeball League will of course happily lend a hand in organizing this contest. Oh, Pokeball League खुद organize करेगी। But I'm most kind of a chairman, chairwoman Gita. I do everything in my power to nurture young, up and coming. A former gym leader, developer of Pokédex app. This academic clearly out many skill trainer. क्या? Students of should compete for the title. Oh, एक स्टाफ भी लड़ेगा? Damn, यार कि वो जो टीचर्स उनसे भी फाइट होगी। इस टाइम में अलाउड द चेयर वूमन इज नॉट पार्ट ऑफ द एकेडमी राइट? एक्चुअली आई थिंक शी इज द चेयर वूमन ऑफ द स्कूल बोर्ड एज वेल। वो तो फिर वो भी करेगी भाई, ये भी फाइट करने आएगी। लापरेमर होगी। डैम आई एम अफ्रेड माई शेड्यूल इज ऑलरेडी पैक टाइट। चलो भाई निकल जा। वेल आई सपोज आई माइट बी एबल टू पार्टिसिपेट। गाइस ये भी पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि अब एक
लाइक टूर्नामेंट होने वाला है अपने स्कूल के अंदर जिसमें स्टाफ भी करेगा और ये भी आ सकती है उसमें. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प. पहले बता दे क्या करना है. आ समझ ऑब्लाइज चैंपियन हमरे टू गेट स्वेट टू इट. आई वुड लाइक यू टू गेट आउट एंड इंस्पेक्ट पार्टीज वेरी जिम्स. अच्छा सबको वो करना है. आर दे फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज एज बीकन्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पेशल फॉर ऑल. अच्छा आप मुझे सारे जिम जाके चेक करना है कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अपने तरफ से पूरा एटसेट्रा एटसेट्रा. भाई ठीक है भाई अब नहीं कर सकता मैं इसकी बातें आगे निकाल रहा हूँ. गैस यू गैट टू हैव ऑल आउट बैटल्स विद द जिम लीडर्स मैन आई एम चैलेंज. अच्छा फिर से बैटल करनी पड़ेगी और कौन से. ओके तो रीविजिटिंग जिम्स तो यानी कि बैटल होगी. ओके तो यहाँ पेनी से बात करने वाली है कि जो वीकनेस है लीक पॉइंट सिस्टम में उसको कैसे पैच करा जाए. बट देयर इज अ बंच ऑफ एनीमे आई मिस दैट लोल. थैंक यू नवराज फॉर विलिंग. उसने सुना भी नहीं वो कह रही कि मेरे को एनीमे बिंज वॉचिंग देखना था लगातार देखना था लेकिन भाई क्या आई मीन आई विल डू इट आई विल हेल्प दैट मेल. भाई कितना बोला चला और गुस्से में आ रही है. दिस इज ऑसम शो दिस इंस्पेक्शन थिंग हु इज द बॉस होटल लैब रिमेक एंड जॉइन अवर टूर्नामेंट. ओके भाई सब कुछ हो गया. भाई गेम तो ओपी थी अब एक टूर्नामेंट भी आ गया. गेस माय रोल्स ऑफ इट गोज विदाउट सेइंग. क्या क्या तेरा रोल है तू क्या करने वाला है. सैंडविच बनाने वाला है क्या. ओह भाई नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ जाना भाई. नर्स कहाँ यार. बायोलॉजी में नर्स नहीं होती क्या यार. होती तो ज़्यादा अच्छा था. अरे है गाइस इमोशनल के बाद थोड़ा बातचीत करने के बाद थोड़ा रिव्यू देने के बाद नर्स की गोदी में सरक के सोना चाहिए. और कैसे हो मेरी मैडम. हे देयर कम ऑन इन एवरीवन वेलकम द नर्स ऑफिस. आई एम ग्लैड यू आर हेयर. आई हैव सम गुड न्यूज़ यू आर नॉट गोना बिलीव दिस. अरे अरे पिघलाओगे क्या फिर से. बट आई पास द ओह तालिया ताली गाइस क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग. भाई हेल्थ टीचर बन चुकी है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अरे गले तो बिल्ले यार बोले किस विस कुछ कुछ तो गालों पे किस कर दे लाइक मैं कर पाऊँ. आई सो यू पुशिंग जोर से रिया हर्ट विथ योर ट्रेच एंड. और तो उसी ने मुझे इंस्पायर करा. हमने इंस्पायर करा और हमारे लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं आ रही सामने से. भाई आप कुछ मोटिवेशन तो दो हमें. ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर बेस्ट गोज टू माई ओन हार्डवर्क. तो भाई टीचर बन चुकी है. डैम ओ मैक्स दीदी 10 बट दे टेल मी देयर इज नो रूम टू एड न्यू क्लास दिस ईयर. अरे 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 कोहली अगले साल से. आई गेस आई विल कीप बीइंग नर्स मीडियम फॉर अ बिट. कोई नहीं आपके पास आते रहेंगे जब तक आप नर्स हम आते रहेंगे. जस्ट यू वेट आई विल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ क्लास एट दिस अकेडमी बिफोर यू नो इट. ओ भाई साहब. अच्छा हेल्थ के बारे में. अरे हमारे दिल की हेल्थ बता दो यार. देखो आपको देख के थोड़ा दिल कमज़ोर हो जाता है या जोर जोर से धड़कने लगता है या फिर पिघल जाता है. क्लोज मोड मीडियम से. ओ बैंडेज लगी पैर पर. मैडम आपको कैसे चोट लगी मैम. अरे ओ मैप गैप पहाड़ में. मैम आपके बैंडेज कैसे लगी हुई है. कैसे चोट लगी आप कहाँ गिर गए थे. टैम उठाने के लिए नहीं था मैं माफ़ी चाहता हूँ. वो थोड़ा एरवन के पिताजी का कुछ लाइक सीन चल रहा था तो समझ सकता थोड़ा इमोशनल था. बहुत ज़्यादा इमोशनल था मतलब मैं तो रो पड़ा था. सही बता रहा हूँ मैं रो पड़ा था. मेरी आवाज़ बैठ गई थी. अगर तू पीछे एपिसोड सुनोगे ना गैस मेरा तो भाई रोना निकल गया था. और इससे पहले मैं एक बात बताऊँ. मैं इससे पहले एक मेरा चैनल था तो वो चैनल पे वो बंद कर दिया चैनल को. उस पर अच्छे खासे सबसे मैंने उस अच्छे खासे और उस पर भाई लोग का डब भी आया था परिषद भाई. मतलब मेरी लाइक मतलब है एक स्टोरी लाइक बहुत बढ़िया सी. तो लाइक क्या बताऊँ लाइव वेबकैम करता था मैं फेस कैम लाइव स्ट्रीम 4-5 घंटे. और लेकिन वो करता था मैं रात के 9 बजे से 11 बजे तक या 7 से 9-10-11 बजे तक ऐसे करता था मैं. भाई पुराने दिन टैम ऋषभ भाई को वो याद होगा वो. मैं सब बताऊँ उस पर कुछ सीन हुआ था लिटरली बहुत एपिक सीन था वो बहुत ज़्यादा. मैं रो पड़ा था भाई सही में बताऊँ. मतलब इमोशनल चीज़ें मैं लाइक नहीं देख पाता. और देखो कैसे अल्ट्रा बॉल यहाँ पड़ी दिख रही है आपको. तो चलो एक बार इनसे बातें करते हैं और चलते हैं. रेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट टू. और यहाँ से हम जाते हैं एंट्रेंस हॉल में. बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे. बातें भी वो सब करते रहेंगे. अभी बहुत कुछ है. अभी टेस्ट वेस्ट होना पता नहीं क्या टेस्ट होगा. बोले वो अभी जिम के पास भी जाना है लाइक सब जिम्स पे रिविजिट करना है हराना है फलाना ढिमकना करना है. भाई साहब मजेदार ओपी. तो गाइस मुझे रिव्यू में बताना कैसा लगा आपको कैसा गेम लगी. अरे हाँ एक बार मेरे को वो देखना है.
If you select Mirrodon while the menu is open, you can. Okay. Change into its battle form. Yes. Or. Yes. किसको भेजूँ मैं? Electric है ना ये. हटा सकता हूँ मैं. Okay guys. अब. Oh, boys. भाई कितना खतरनाक लग रहा है ये. आवा बटर दो हाथ ऐसे करके जो भक्ति करने बैठा हो. आके देख रहे हो क्या भाई. भाई साहब क्या लग रहा है गाइस. मस्त है यार. चेंज राइट फॉर्म में हो जाए वापस. ओके गाइस तो आ जा भाई. आज के लिए गाइस ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं. बहुत ही ज़बरदस्त गेम थी. बहुत ही मज़ा ही आ गया. और बारिश हो रही है क्या ही मौसम हो रहा है. पकौड़े पकौड़े खाते हैं, चाय वाय पीते हैं. थोड़ा मैं अपना गला ठीक करता हूँ. इमोशनल जो इतना हो गया था थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ गाइस. ऐसा हो जाता है मेरे साथ. तो इसी का सबसे आगे लेता हूँ गाइस. जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर देना. जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना. भाई बोला मेरे से नहीं जा रहा. तो इसी का सबसे आगे लेता हूँ. ऑडियोस टेक केयर शबा खैर एंड पीस आउट.